हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। के की कौन सी वैल्यू के लिए जो आपको पेयर दे रखा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए करते हैं और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन करने के बाद, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और लाइक तो आपको आएगा ही, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.5। इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 2k माइनस 1x, k माइनस 1 y, और ये 2k प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a1 क्या है 3, b1 क्या है 1, c1 क्या है माइनस 1, और a2 क्या है 2k माइनस 1, b2 क्या है k माइनस 1, और c2 क्या है माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, आसान है ना। अब बात आती है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन कब होगा, कोई सोल्यूशन कब नहीं होगा। कोई भी सोल्यूशन ना होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि वो पैरेलल आए लाइनें, a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ना हो, तभी क्या होगी वो लाइनें क्या होगी पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको ये वाला पेयर ले लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 की वैल्यू है 3 अपॉन में a2 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 1 b2 k माइनस 1, ये दे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस 3 2k माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वैल्यू 3k माइनस 2k, 2k लेफ्ट हैंड साइड में गया, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, मतलब कोई लिटरल पार्ट है ABCD कुछ भी वो लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो राइट हैंड साइड में। माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी 3 माइनस 1 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का यानी कि 3 का, ये हो गया 3k माइनस 2k, अलग अलग निशान है ना दोनों के, तो निशान क्या होगा हम माइनस करेंगे, निशान जो होगा वो इस वैल्यू का होगा, बड़ी वैल्यू का प्लस का, तो k की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, और अगर ये पूछा होता कि भाई क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये तो ठीक है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू के लिए, तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर ये पूछ रखा होता कि कोई सोल्यूशन ना हो तो k की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते ये वाला पेयर लेते, तब k की वैल्यू जो आती वो नहीं होनी चाहिए थी, तब वैसा करते। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस सेकेंड पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, बाय।